बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा के इस खाली सीट के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सुशील मोदी 2 दिसंबर को अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के कई बड़े चेहरे सुशील मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ शामिल रहेंगे। बता दें आपको कि राज्यसभा के लिए इस एक सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 14 दिसंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव होगा। बता दें रामविलास पासवान एनडीए के तहत बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से साल 2019 में निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का था, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 8 अक्टूबर को उनके निधन के साथ ही ये सीट खाली हो गई। आपको बता दें कि राज्यसभा के एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का शेड्यूल पूरी तरह तय हो चुका है और इस पद के लिए 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।